वेलकम बैक गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बेसिकली हम अपनी इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने एमएस ऑफिस में, और उस पर मल्टीपल्स हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल बनाया था बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, उसके बाद हमने कुछ उसके लेक्चर्स डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद कवर पेज क्या होता है, हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल लेआउट क्या होती है। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, न्यू कमर्स हैं, तो प्लीज़ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन वीडियोज़ को जाके फॉलो करें, देन आप आगे मूव हुए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। बेसिकली आज हमें क्या करना है कि आज जो हमने पिक्चर्स ऐड करना सीखा था, वो हमने ऑफलाइन या हमारे सिस्टम में से हम उसको कॉल कर रहे थे या उसको पिक कर रहे थे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम ऑनलाइन पिक्चर्स कैसे ऐड कर सकते हैं अपने एमएस वर्ड में। जैसे हमें यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है हमें, जिसे यहाँ पर लोड हुए, जिसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा कंप्यूटर। जैसे मैंने क्लिक किया कंप्यूटर पर, वहाँ पर आप कंप्यूटर से रिलेटेड मल्टीपल्स इमेजेस आ जाएंगी। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट वन करूँगा। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास विद इन अ मिनट हमारे पास एक ऑनलाइन इमेजेस इंसर्ट हो जाती है अपने डॉक्यूमेंट में। और उसके साथ साथ इसका एडवांटेज क्या है कि भाई यहाँ पे रेफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर उन्होंने लिंक प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। और दूसरी बात, और हमने अपनी वीडियो में से सारे इफेक्ट्स इसमें अप्लाई किए थे अपने। अगर आपने ये मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मैं आपको एक मरतबा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें। और उसके बाद हमने ऑनलाइन इंसर्ट करना सीख लिया। तो उसके बाद बात आती है हमारी शेप्स की। बेसिकली आप देख सकते हैं इंसर्ट रेडीमेड शेप्स सच एज सर्कल्स, स्क्वायर एंड एरो। अब क्या होता है, शेप के थ्रू हम मल्टीपल शेप्स इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास सर्किल हो गया, ओवल हो गया, लाइंस हो गई, हमारे पास रेक्टेंगल्स हो गए, बेसिक शेप्स हो गई, ब्लॉक एरोज हो गई। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक शेप ऐड करके दिखा देता हूँ कि हम ऐड कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेक्टेंगल राउंड ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके हमें यहाँ पे लिखना है एड टेक्स्ट। हमें अगर हमें किसी सर्किल में किसी किसी भी हमें अपने ऑब्जेक्ट में अगर कोई डेटा इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर एड टेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेक्निकल हब अपने चैनल का नाम। अब मैं इस पे मल्टीपल्स ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप स्टाइल आ गए हैं, यहाँ पर आप मल्टीपल्स कलर अप्लाई कर सकते हैं। देखें मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे कर रहा है शेप फिल। अब मुझे शेप में कौन सा कलर रखना है, मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका आउटलाइन पूछ रहा है कि आउटलाइन कलर क्या होना चाहिए, मैं ब्लैक रख देता हूँ, डार्क ब्लैक, ठीक है। उसके बाद शेप इफेक्ट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप के कितने इफेक्ट हैं, आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। ये शेडो क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। मैं सेट कर लेता हूँ, मैं ये सेट कर लेता हूँ, अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम दूसरे शेप्स में शेडोज, अगर हमें शेडोज देने हो तो हम शेडोज कैसे देंगे अपने इसमें, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शंस, अगर हमें किसी एक एक तरफ रिफ्लेक्ट करना हो, ग्लो करना हो। अब देखते हैं ग्लो में कितने सारे हमारे पास लाइट्स हैं। यहाँ पर मैंने ये अप्लाई कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू लाइट जो बॉर्डर की शेड में है, शेडो एक क्रिएट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्विक स्टाइल एड सम आर्टिस्ट फ्लेयर एंड क्लोजिंग बिटवीन। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है, ये देखें जो हमारा टेक्स्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी साइज इंक्रीज करता हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगा। मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ, देखें। अब मैं जाता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब देखें यहाँ पर, ये देखें कितना अट्रैक्टिव लग रहा है।
मैं ये रख देता हूँ टेक्निकल है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। इट मीन्स कि आप अपनी शेप को इतना अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि बहुत, क्योंकि अगर आप मेरे को एक बात बताते यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि अगर हम अपने डेटा को विजुलाइज करवाते हैं तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, शेप्स यूज़ करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी इमेज, अपनी असाइनमेंट्स में, अपने डॉक्यूमेंटेशन में, अपने नोट्स में, तो आप शेप्स लाजमी यूज़ किया करें, क्योंकि वो एक हमें क्या करते हैं, एक अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करते हैं कि भाई हाँ भाई बंदे ने काम किया है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। तो उसके बाद हमने शेप्स पे आ गए थे, और उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे आइकॉन्स। आइकॉन्स बेसिकली हैं कि हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास एक पॉप अप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप मल्टीपल्स आइकॉन्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास सेलफोन हो गया, एनिमल्स के आइकॉन्स हो गए हमारे पास, लाइक मैं ऐसे कैट ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैट है, उसका जो आइकन है वो आ चुका है, और यहाँ से आई थिंक मैं इसके कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और उसके बाद हम चलते हैं दोबारा वापसी अपनी इंसर्ट टैब की तरफ, और उसमें हम इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे थे, तो हम यहाँ पे 3D मॉडल्स कैसे ऐड कर सकते हैं फ्रॉम अ फाइल फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। मेरे पास अभी तो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसको ऑनलाइन रिसोर्स अप्लाई करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप इसको ऑफलाइन अप्लाई कर लेना। आप देख सकते हैं 3D मॉडल्स में एन ऑल एनिमेशन मॉडल, मैं जाता हूँ एनिमेटेड फॉर एजुकेशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। बेसिकली 3D मॉडल्स क्या होते हैं, एक मैंने आपको कहा था कि जो हमारे शेप्स हैं वो विजुअली हमारे जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन शेप्स जो भी 3D एक अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैं ये देता हूँ, ठीक है, मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, क्योंकि ये 3D मॉडल है और वो भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ड्यूरिंग में थोड़ा प्रोसेस होगा, और इससे इसके जब तक ये लोड हो, इसके बाद हम आई थिंक ये लोड होने में, जब तक लोड नहीं होगा हम उससे कोई काम नहीं कर सकते बेसिकली। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंसर्शन के बड़े ऑपरेशन हैं हमारे एमएस ऑफिस में, जो एक अहम किरदार अदा करते हैं हमारी एक अट्रैक्टिवनेस असाइनमेंट्स बनाने में, अट्रैक्टिवनेस डॉक्यूमेंट्स बनाने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इसमें अपने असाइनमेंट्स में 3D मॉडल्स वगैरह आप ऐड किया करें, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले गया ये। जब तक ये इंसर्ट हो, और तो मैं आपको और भी अपनी अपनी प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी प्लेलिस्ट पे काम किया हुआ है। जैसे ही आप मेरे चैनल पे मूव होंगे और क्लिक करेंगे मेरे चैनल के ऊपर, और मैं आप अस्सलाम जाएंगे वालेकुम प्लेलिस्ट के अंदर। एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। टुडेज आवर टॉपिक इज आप देख सकते हैं यहाँ पर MS Access के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरी MS Access की वीडियोस देख सकते हैं, और उसके बाद मैंने एडवांस SQL ट्यूटोरियल्स पे भी अपनी PPTs बनाई हुई हैं, और पाइथन प्रोग्रामिंग के भी, आप इनको फॉलो अप कर सकते हैं। गाइस जैसे कि हमने अपना 3D मॉडल ऐड किया था तो वो हमारे पास आ चुका है, मैं आपको थोड़ा सा उसको जूम करके दिखा दूं कि वो आपको एक अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करे। अब जैसे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भाई ये जो बंदा है हमारे चैनल को डिफाइन कर रहा है, टेक्निकल हब को हिलते जुलते, देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, आप इसको मूव करा सकते हैं किसी भी एंगल से, ये देखें। तो इस तरह से आप अपने अपने एमएस वर्ड में आप अपने यहाँ पर ये 3D मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे सीन टू ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखें कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। सीन 3 में देखो, हेलो हाय, कितना अट्रैक्टिवनेस है। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एमएस ऑफिस में, अपने असाइनमेंट पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं,
और हम सीन 4 भी देख लेते हैं, उसमें कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, ये तो चांद पर जा रहा है भाई। तो गाइज इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप अपने असाइनमेंट्स को अट्रैक्टिवनेस बना सकते हैं यूजिंग एमएस ऑफिस 365। और प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस अगर आपको इस रिलेटेड मेरा ब्लॉग पढ़ना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी लिंक से अपने ब्लॉग्स की ऐड कर दी है, तो आप मेरे ब्लॉग्स भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने इस पर भी एक अच्छा और अट्रैक्टिवनेस ब्लॉग लिखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।